हेलो ऑल ऑफ यू, फाइनली मेरी इनकम टैक्स की नई बुक आ चुकी है फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। सो ये बुक मैं भी तुम लोग से डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, बिकॉज दिस टाइम इनकम टैक्स में ह्यूज चेंजेस है, मतलब छोटा मोटा अमेंडमेंट नहीं है कंपेयर टू द असेसमेंट ईयर जो अभी चल रहा है 23-24। 24-25 वाले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स पूरा बदल जाएगा भयंकर। ये बुक जो आप देख रहे हो, दिस इज फॉर सीए एंड सीएमए बोथ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, दोनों के सिलेबस में 50 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स बोलो या इनकम टैक्स बोलो, एक ही बात है, सीए सीएमए इंटरमीडिएट दोनों स्टूडेंट्स के लिए न्यू सिलेबस के हिसाब से है। इस बुक की विशेषताएं, इजी लैंग्वेज में इसके सारे अंदर न्यूमेरिकल्स कवर्ड है, मतलब ऑल द न्यूमेरिकल्स, दिस इज अ कंबाइंड बुक, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स, तो ये 2-in-1 बुक है। ओके, 100% कवरेज, ऑल अमेंडमेंट्स आर इंक्लूडेड, न्यू रेजिम, ओल्ड रेजिम, सारे भयंकर अमेंडमेंट आए इस बार बजट में, वो सारे इसके अंदर है। टैबलो फॉर्मेट में मेरे एक्सप्लेनेशंस डाले हुए, भर भर के डायग्राम्स और एग्जांपल्स भी है, मैं एक ही करके सब दिखाऊंगा अंदर। ओके, सो दिस इज वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 कंटेन्स द फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, द टैक्स रेजिम, टैक्स रेट्स एंड ऑल द 5 हेड्स। ये वॉल्यूम 1 वाली किताब में यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मोटी है। वॉल्यूम 2 जाएगा उसका कम साइज में रहेगा बुक, ये काफी मोटी बुक है, आई थिंक दिख रहा है तुम लोगों को इतना मोटा, ठीक है, रफली आई थिंक इट विल बी 500 पेजेस और समथिंग लेस, थोड़ा उसी के आसपास उस रेंज में होगा। सो इट्स अ 2-in-1 बुक, थियरी भी है, मतलब सारे एक्सप्लेनेशंस प्लस सारे सम्स भी इसमें। इसमें दो तरह के सम्स है, सॉल्व एंड अनसॉल्व, दोनों, मैं दोनों ही पढ़ाता हूँ। अनसॉल्व सम्स भी मैं क्लास में कराऊंगा, सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते ही सबसे पहले माँ सरस्वती जी की फोटो, जैसा कि मुझे आजकल मैं सारे बुक में डालता हूँ, इट इज ऑलवेज नाइस टू स्टार्ट विद अ पॉजिटिव वाइब। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये इतना ज्यादा जो आप मोटिवेशन दे रहे हो इसकी जरूरत है क्या? हाँ जरूरत है, जैसे तुम लोग पढ़ते हो हताश होते हो, डीमोटिवेटेड होते हो, मैं नहीं होता क्या? मैं भी तो जिंदगी जी रहा हूँ तुम्हारी तरह, तो मोटिवेशन वगैरह से हाँ एक बार बहुत हेल्प मिलता है, उम्मीद दिखने लग जाती है, इंसान तभी मेहनत करता है। तो एक पॉजिटिव वाइब से स्टार्ट करना चाहिए हम लोगों को। दिस लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में माई अबाउट माई इनकम टैक्स क्लासेस, मेरी इनकम टैक्स क्लासेस किस प्रकार की होती है सब मैंने डिटेल में समझाया है, ठीक है। इसको अभी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, आज के सेशन में तो बुक दिखाऊंगा मैं। ये ऑल इंडिया सेकंड रैंक नूर सिंगला, इन्होंने मुझसे डायरेक्ट टैक्स लॉ ऑडिट दोनों पढ़ा था सारे सब्जेक्ट, ये डायरेक्ट टैक्स के बारे में उनका फीडबैक है कि आपकी वजह से रैंक आया, लॉ एंड ऑडिट वॉज ऑलरेडी फंटास्टिक बट स्पेशल थैंक्स फॉर योर इनकम टैक्स, यू हैव टॉट इट रियली ऑसम। मुझे इस लड़के से जो मतलब मैं इतना इंस्पायर्ड हुआ, इतना ऑनेस्ट ईमानदार स्टूडेंट, इसने सबके सामने एकदम ओपन बताया कि इनकम टैक्स मुझसे किया है। तो आप लोग सोचते हैं ना कि सर आप तो इनकम टैक्स अभी नया स्टार्ट किया हो कैसे, ये देख लो तुम्हारे सामने परिणाम है, रैंक 2 ऑल इंडिया, थैंक यू। आगे मूव करते हैं, ये टॉपर्स हैं, टॉपर्स मतलब जिनका 1-9 सिंगल डिजिट रैंक होता है। नाउ ये है कॉन्टेंट्स, ओके। अब क्या क्या है सर? 7 चैप्टर्स है जिसमें 5 तो 5 हेड्स के हैं और ऊपर पहला बेसिक कॉन्सेप्ट होता है टैक्स का जो पहले 2 क्लास में करते हैं हम लोग, और फिर टैक्स रेट्स एंड न्यू रेजिम, ये महा इंपॉर्टेंट है। एक तो न्यू रेजिम चेंज हुआ है, ऊपर से न्यू रेजिम डिफॉल्ट रेजिम है, तो अब सारे टैक्स कंपटीशन पे असर पड़ेगा, यानी सारे 5 हेड्स में जिस तरह से आप सम्स करते थे उन पर असर पड़ेगा। तो न्यू रेजिम पे बहुत ज्यादा फोकस है इस बार, ओके, वेरी मच, मतलब उसी की वजह से पूरा सब कुछ बदलेगा, प्लस और भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, मैं सब दिखाते जाऊंगा। तो ये तो है कॉन्टेंट्स। ये 3P3, 4P4 क्या है, जैसे सैलरीज चैप्टर के अंदर ही बहुत सारे सम्स हैं, सॉल्व अनसॉल्व जो मैं कराता हूँ, उसके अलावा और एक्स्ट्रा सम्स मैंने डाल रखे हैं फुल्ली सॉल्व, और वो भी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। मोर प्रैक्टिस के जो सम्स होते हैं ना वो मैं अलग से लेकिन यूट्यूब में डाल देता हूँ, तो इसमें और एक्स्ट्रा 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 न्यूमेरिकल्स आप लोग के पास है जो मैं डिस्कस करूंगा, डेफिनेटली इट्स नॉट होमवर्क, ओके। चैप्टर 1, ये हमारा चैप्टर 1 है, बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉपर स्टार्ट होता है हर चैप्टर। हर चैप्टर में आई गिव अ पूरा का पूरा डिटेल टॉपिक शीट कि इस चैप्टर के अंदर ये 14 टॉपिक्स आएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसके स्टूडेंट को पहले से पता चलता है कि अंदर क्या होने वाला है। सी टैक्स में ना बहुत ज्यादा डेटा है कंपेयर टू एनी अदर थ्योरी सब्जेक्ट दैट यू से, तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन होना वो बहुत जरूरी है, नहीं तो याद नहीं रह पाएगा। सारे सेक्शन नंबर 1 ये चीज सब समझाया हुआ है। आज का ये जो वीडियो है ना थोड़ा सा लंबा होगा, बिकॉज मैं चैप्टर बाय चैप्टर तुम लोगों को पूरा डिटेल्स दिखाने जा रहा हूँ। तो ये पहली टॉपिक स्टार्ट हुई इंट्रोडक्शन, टॉपिक 2, फिर टॉपिक 3, टॉपिक 3 चार्जेबिलिटी जो सेक्शन नंबर 4 होता है, टॉपिक 4 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स, फिर हेड्स ऑफ इनकम वर्सेस सोर्सेज हेड्स ऑफ इनकम, ये सारे सेक्शंस का रेंज है। सैलरीज का सेक्शन होता है 15-17, पहले सेक्शन को चार्जेबिलिटी सेक्शन बोलते हैं, 15 नंबर। एचपी 22 से 27 है, 22 नंबर है एचपी, ठीक है, इस तरह से मेरे एक्सप्लेनेशन से हर जगह आपको मिलेंगे। देखो सिद्धार्थ सर,
हर जगह जहां पे भी तुमको डाउट है मेरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सब कुछ मैंने अपनी किताब में डाल दिया ताकि जो 70 क्लास हम लोग पढ़े उसमें हार्ड कोर समझाने पे और याद करने पे फोकस हो, खाली कॉपी में टाइम पास नहीं हो। क्योंकि टैक्स में ना यार बहुत डेटा है। अब मैं देखता हूं कि टैक्स में जो मेरे भी सर थे वो क्या किया करते थे, दिन भर बैठ के खाली कॉपी लिखाते थे। मतलब क्लास में गए तो बैठ के 20-15 कॉपी में नोट्स लिख रहे हैं, तो समझे तो कुछ नहीं, याद तो कुछ किया नहीं, खाली लिखने में क्लास खत्म हो गई। तो लिखने का काम जो है इसमें किया हुआ है सारा, आपको फोकस होना चाहिए समझना और याद करने पे। मेरा टैक्स पढ़ाने का जो अप्रोच है ना वो स्टोरी टेलिंग अप्रोच है पूरा, कि एकदम ऐसी कहानी बताऊंगा प्रैक्टिकल तरीके से पूरा याद हो जाए। ये देखो हर जगह तुमको मेरे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, सिद्धार्थ सर लिखा मतलब माय एक्सप्लेनेशन है, एओपी बीओआई एजीपी, कितने स्टूडेंट को क्लियर ही नहीं होता, पूरा एग्जाम्पल समेत मैंने अच्छी तरह से पूरा क्लियर किया इसको। ठीक है, ये इधर चालू हो गया। एचयूएफ में अमेंडमेंट है विच मेनी पीपल आर अनअवेयर ऑफ, वो सब मेरे नोट्स के साथ। ये तो चैप्टर वन है, और दिखा रहा हूं जाओ आगे मूव ऑन करते हैं एक बार हम लोग थोड़ा। चैप्टर टू, यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस न्यू टैक्स रेजिम। ये इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स आने वाले हैं। न्यू रेजिम पहले वाले न्यू रेजिम से डिफरेंट है, मतलब 23-24 का जो न्यू रेजिम है ना वो अलग था, 24-25 का न्यू रेजिम के रेट्स अलग हैं। इसमें 25% है ही नहीं, देखो इसमें लिमिट्स भी अलग है, 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख नहीं है, 3, 6, 9, 12 ऐसे। और न्यू रेजिम का बहुत बड़ा फर्क है बिकॉज ये डिफॉल्ट रेजिम है, मतलब असेसी अगर कुछ नहीं सोच रहा है तो वो न्यू रेजिम में जाएगा, और अगर वो न्यू रेजिम नहीं फॉलो करना चाहता तो वो ओल्ड रेजिम में आ सकता है। तो नाउ न्यू रेजिम इज द डिफॉल्ट रेजिम एंड ओल्ड रेजिम इज द ऑप्शनल रेजिम। ये देखो डिफरेंस, स्टार्ट करते हैं डिफरेंस, मेरा एक्सप्लेनेशन कि दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, पहले ही क्लियर करेंगे इसको अच्छी तरह से। ठीक है, फिर ये सम्स हैं, कुछ सम सॉल्व रहते हैं, कुछ अनसॉल्व होते हैं जो मैं क्लास में सॉल्व कराता हूँ। सारे सम्स इस किताब में डालेगा, कहीं इधर उधर दाएं बाएं भटकना नहीं है। मैंने आईसीआई स्टडी मटेरियल के भी सारे अच्छे सम्स उठा के इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। यू विल रेयरली फाइंड अ टैक्स बुक इन इंडिया जो आईसीआई की स्टडी मटेरियल से मैच करता हो। वो मैंने पूरा मेहनत किया है कि बिल्कुल इंस्टीट्यूट से स्टडी मटेरियल से मैच करे, सारे नई चीजें सब डाला हुआ है इसमें। रिबेट अवेलेबल है, अब न्यू एजी में भी 7 लाख का रिबेट है, उसमें भी मार्जिन रिलीफ है। ठीक है, ये प्रॉपर एग्जाम्पल सरचार्ज को लेकर स्टूडेंट लोगों के दिमाग में इतना कंफ्यूजन होता है, मैंने उसका एकदम सिंपल वर्जन बनाया याद रखने के लिए। मार्जिनल रिलीफ सेस वगैरह, ए इस बार ये न्यू रेजिम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफॉल्ट रेजिम सेक्शन 115 बैक, इसके अंदर क्या क्या स्पेशल पॉइंट्स है सब इसमें समझाए हुए ए टू जेड। ये तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो और क्लियर होगा, ऐसे भी बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ये देखो पुराने वाले न्यू रेजिम में और नए वाले न्यू रेजिम में क्या क्या चेंजेस हैं, देख लो। पहले न्यू रेजिम ऑप्शनल था, अब न्यू रेजिम डिफॉल्ट है। पहले न्यू रेजिम में कोई रिबेट का चक्कर नहीं था, वो 5 लाख भी था, अभी वो 7 लाख हो गया, उसमें भी मार्जिन रिलीफ है। ओल्ड रेजिम में 5 लाख थी, उसमें मार्जिन रिलीफ भी नहीं है। टैक्स रेट्स अलग हैं, सैलरी वालों को न्यू रेजिम में 50 लाख डिडक्शन मिलेगा जो पहले नहीं मिल रहा था। फैमिली पेंशन में आईएफओएस में वो भी अब उसमें एग्जम्पशन अवेलेबल हो जाएगा आपको डिडक्शन। 80 CCS2 ये नया है। अग्निपथ स्कीम तुम लोगों ने सुना होगा ना, भारत सरकार की जो सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना है उसी में अग्निपथ स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रीब्यूशन करता है वो भी अब अवेलेबल होगा डिडक्शन। ये सम्स हैं, सॉल्व अनसॉल्व हर प्रकार के सम्स हैं। अब ये चैप्टर जो आप देख रहे हो टैक्स रेजिम वाला, ये डिटेल में हम लोग वापस करेंगे वॉल्यूम 2 में। यहां पे मैं मुझे सिर्फ ज्ञान देना था बिकॉज वो बाकी 5 एड्स पे हावी है, वरना इसके लंबे लंबे सम से वो हम लोग करेंगे आफ्टर डूइंग द 5 एड्स, तो वॉल्यूम 2 में फिर से आएगा। ये सैलरी चैप्टर स्टार्ट हुआ ना, देखो जैसे चैप्टर चालू हुआ, चैप्टर में है तो 3 सेक्शन पर सारे टॉपिक्स देखो कैसे सुंदर से सजाए हुए तुम्हारे सामने। यू नो बिफोर यू स्टार्ट कि अच्छा इस चैप्टर में हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, और चालू करते सबसे पहले न्यू रेजिम में, हर हेड में सैलरी में न्यू रेजिम में क्या क्या खास बातें हैं, कौन से डिडक्शन एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेंगे। न्यू रेजिम में क्या होता है ना, रेट्स ऑफ टैक्स कम होते हैं लेकिन डिडक्शन एग्जम्पशन बहुत सारे आपको छोड़ने पड़ते हैं, सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। तो न्यू रेजिम में जो डिडक्शन एग्जम्पशन छोड़ने पड़े हैं, पहले चालू करती सैलरीज में वो स्टार्ट हो गया कि सैलरी में आपको शुरू से ख्याल रहे कि अच्छा अच्छा ऐसा है, तो भूलने का कोई चक्कर ही नहीं है। फिर ये स्टार्ट हो गया चार्जेबिलिटी सेक्शन नंबर 15 चलते जा रहा है, टॉपिक के अंदर ही सम्स है। देखो ये रहा टॉपिक, फिर जंबो क्वेश्चन आ गया, हर जगह एग्जाम्पल सम्स भर भर के मैंने पुट किए हैं, और आईसीएम एट का पूरा ख्याल रखा है। माई एक्सप्लेनेशन यू कैन लुक एट सिद्धार्थ सर, तो इससे कितना टाइम सेव होता है तुम सोचो। 70 क्लास सब कोई पढ़ाते हैं लेकिन वो लिखाने में टाइम वेस्ट करा देते हैं, यहां 70 क्लास में समझने और याद करने में हम लोग स्पेंड करेंगे टाइम। परफेक्ट मटेरियल एकदम, ताकि तुमको इधर उधर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, तुम्हारा काम आसान हो। तुम अगर लिखने में रह जाओगे तुम आगे की चीज कहां से सोचोगे, तो लिखा हुआ सब रहना चाहिए ना पहले से एक्सप्लेनेशन। ये स्टार्ट हो गया, आई विल टेक यू टू फर्दर पेजेस।
ये अमेंडमेंट आया था, पहले दो सालों का अमेंडमेंट आया हुआ, लेकिन इसके ऊपर ना आईसीए ने एक नया सम डाला है बहुत सुंदर, वो ये सम्स है, उसका सॉल्यूशन मैंने पूरा बढ़िया से चेंज किया है टू मेक इट इजी। आईसीए का जो सॉल्यूशन है थोड़ा ज्यादा हार्ड है देखने में, उसको मैंने सिंप्लीफाई करके अच्छे तरीके से दिया है। ये सैलरीज का मोर प्रैक्टिस वाला चैप्टर, इसमें एक्स्ट्रा सम्स है और वो फुल्ली सॉल्व है जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। हर सम्स का सॉल्यूशन मैंने अपने तरीके से सजाकर पूरा बनाया है। आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर कुछ फ्लैग है, मतलब कुछ हाँ, दिस इज पीजीबीपी। फाइव हेड में सबसे खतरनाक हेड कौन सा है? पीजीबीपी। पीजीबीपी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट शीट, कि आपको शुरू से क्लियर हो कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या सेक्शन नंबर, देखो सब सेक्शन नंबर बगल में लिखे हैं ब्रैकेट में, हर चीज कोई भी चीज आ गई उसका सेक्शन नंबर ए टू जेड। मेनली इट इज अबाउट अलाउंसेस एंड डिसअलाउंसेस। तो इसको अगर तुम अच्छे तरह से समझो ना, तो दिस लाइक द समरी ऑफ पीजीबीपी। पीजी में भयंकर चेंजेस इस बार स्टार्ट करते हुए न्यू रेजीम में। अगर आप डिफॉल्ट रेजीम तो न्यू रेजीम है, तो अगर आप पीजीबीपी वाले एसएससी हो, बिजनेस एसएससी हो, तो आपको कौन कौन से एग्जेम्पशन डिडक्शन कुर्बान करने पड़ेंगे वही लिखा हुआ है। फिर पीजी में सेक्शन लिस्ट जो हमारे सिलेबस में एप्लीकेबल है। फिर एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन है, ठीक है। छोटी छोटी बातें भी देखो डायग्राम एग्जांपल से पूरी समझाई हुई है। हर जगह आपको बीच बीच में क्वेश्चंस मिलते जाएंगे सॉल्व अनसॉल्व, जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। आगे मूव ऑन कर रहा हूं एक बार। ये प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन भयंकर अमेंडमेंट आया है, ओके, विच आई वॉन्ट टू शो ऑल ऑफ यू। प्रिजम्प्टिव टैक्स में तीन सेक्शन होते हैं ना, 44AD, ADA, AE। तो एडी और एडीए में भयंकर चेंज आया है। 44AD वाला स्कीम में क्या होता था, पहले दो करोड़ टर्नओवर की लिमिट थी, उसको अभी इन्होंने बोल दिया कि अगर आपके कैश रिसिट मात्र टोटल के 5% ही है, मतलब आपका सारा काम पक्के में हो रहा है, बैंकिंग चैनल से हो रहा है, तो आपके लिए दो करोड़ नहीं 3 करोड़ की लिमिट है। 3 करोड़ के टर्नओवर तक भी आपका हो तो प्रिजम्प्टिव टैक्स में जा सकते हो। ऐसा ही कुछ उन्होंने 44AD में भी किया। 44 ADA में भी आप जाओगे ना, ये देखो आईसीए का समझिए, ये सब आईसीए के मटेरियल है। दिस वन यहाँ पे भी 50 लाख की लिमिट को 75 लाख कर दिया। अगर आपकी कैश रिसिट मात्र 5% है, तब 50 लाख या 75 लाख के प्रोफेशन पे भी आप प्रिजम्प्टिव में जा सकते हो। तो इसमें भयंकर चेंज हो जाएगा, इससे सम्स करने का तरीका बदलेगा, इससे टैक्स ऑडिट भी चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से 44AB टैक्स ऑडिट में भी अमेंडमेंट आ गया है। यहाँ पे 50 लाख 75 लाख का और 2 करोड़ 3 करोड़ का, और उसके एग्जाम्पल्स भी नए एग्जाम्पल्स है। यू कैन सी किस तरह से पूरा एक एक डेटा ऑर्गेनाइज है बुक में। कैपिटल गेन्स चैप्टर, ये देखो कैपिटल गेन्स में नए अमेंडमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट, दिस इज अ न्यू थिंग। अभी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट क्या होता है, अगर आपके घर में गोल्ड पड़ा हुआ है तो आप गोल्ड चाहो तो वॉल्ट मैनेजर के पास रखवा के इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट ले सकते हो, और ये गोल्ड रिसिट स्टॉक मार्केट में ट्रेडेबल है। तो इससे आपका वो जो गोल्ड है वो लिक्विड हो गया, जब आपको पैसे की जरूरत है आप उसको ट्रेडिंग करके पैसा उठा सकते हो, और आपको जब गोल्ड चाहिए तो वो कन्वर्ट भी हो जाएगा, आप इजीली जाके वॉल्ट मैनेजर में जमा करोगे तो वो आपको आपका गोल्ड भी दे देगा। वैसे एक नया है मार्केट लिंक्ड वेंचर, ये सब अमेंडमेंट्स हैं। चार्जेबिलिटी कैपिटल गेन्स, ये देखो हर जगह एक्सप्लेनेशन, जहां तुम फंसोगे वहां मेरा एक्सप्लेनेशन मैंने डाल रखा है। ये सोचो बुक लेवल पे ऐसा है, क्लास में किस लेवल पे मैं जाता हूं। ये कैपिटल गेन्स में तो इंडेक्स चेंज हुआ ही है, तो उसकी वजह से सारे सम्स भी चेंज हुए हैं। कैपिटल गेन्स में न्यू रेजिम का उतना प्रभाव नहीं है, पर अलग अमेंडमेंट ज्यादा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसेट जैसा कि मैंने तुमको बताया था, वो सब चेंज हुआ है, नया है ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसेट। ये मार्केट लिंक डिवेंचर्स, ये IFOS चैप्टर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसमें भी इधर चार्जेबिलिटी IFOS पूरा एक्सप्लेन। गिफ्ट्स, रिलेटिव का डेफिनेशन, ये देखो डिटेलिंग, इतने डिटेल में रिलेटिव कोई नहीं समझा सकता, ये रिलेटिव में क्या आता नहीं आता, एक झटके में सुनो क्लियर हो जाए। बहुत मेहनत की मैंने इस बुक पे, बहुत ज्यादा, आई होप तुम लोगों को पसंद आए। टैक्स की क्लासेस एक अलग लेवल पर चल रही है, बता रहा हूँ, ये नया आया है। ऑनलाइन गेम्स में भी हालांकि ये पहले 115BB में कैश इनकम में था, पर उसके लिए इन्होंने अलग सेक्शन बना दिया 115BB से। टैक्स रेट्स वही फ्लैट सेम रखे हैं, पर एक अलग सेक्शन बना के इसको कवर कर लिया ऑनलाइन गेम्स को। दिस इज अगेन IFOS के कुछ काम। फिर लास्ट में इनकम टैक्स, मेरी बुक के बारे में क्या क्या चेंजेस है वो सर। सो दैट इज माई Volume 1 ऑफ इनकम टैक्स, दिस द मेन बुक, इसमें सारा 5 heads कवर्ड है। वी विल बी स्टार्टिंग आर बैच ऑन Wednesday, ओके, आज Wednesday, एक हफ्ते बाद एक्जैक्टली हमारी बैच स्टार्ट होगी 16 अगस्त को सवेरे 8 बजे। थैंक यू।